गुड इवनिंग। कार्बोजैलिक एसिड का करवा दिया ना सवाल। कार्बोजैलिक एसिड का सवाल करवा दिया है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए चलो देखो, ये सब हो गया सॉल्व। ये सवाल सॉल्व तो कल ही करवा दिया था। इसके बाद कुछ सवाल दिया था सॉल्व करने के लिए। इसके बाद क्या कोई सवाल दिया था सॉल्व करने के लिए? कुछ होमवर्क दिया था क्या? क्या कुछ होमवर्क दिया है? कुछ होमवर्क दिया था क्या? या बस इतना ही था? कुछ होमवर्क भी था क्या? यस, तो होमवर्क वाला सवाल एक सेकेंड मेरे पास होगा। मैंने कल शायद पिक तो ली थी। ठीक है ठीक है। तो दो सवाल होमवर्क दिया है क्या? एक सवाल तो होमवर्क था। दो क्वेश्चन होमवर्क थे या एक क्वेश्चन था? दो क्वेश्चन थे। चलिए ठीक है, ये दो सवाल होंगे। देखिए, एक ये था। अच्छा ठीक है, मैं लिख रहा हूं, दोनों देख ही लो। चलिए, कौन सा वाला डाउट था? फर्स्ट और सेकेंड, कौन सा सवाल होमवर्क था? होमवर्क में कौन सा सवाल था? सेकेंड था। चलिए ठीक है, आ जाइए। तो सेकेंड में आप पहले हमें प्रिंसिपल चेन बताइए। सेकेंड का प्रिंसिपल चेन बताइए। ये ए है, ये बी है और ये सी है। बताओ प्रिंसिपल चेन कौन सा था? कौन सा है? सॉरी सॉरी सॉरी, प्रिंसिपल चेन कौन सा है? था ना। बी से सी क्या हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल चेन हो जाएगा। करेक्ट है। बी से सी क्या होगा हमारा? प्रिंसिपल चेन होगा। चलिए, तो आप नंबरिंग करेंगे कहाँ से करेंगे? तो यहां से चला वन, यहां से चला वन, दोनों साइड से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को लोकेट नंबर वन आएगा, है ना। अब उसके आगे बढ़ेंगे टू, और यहाँ पर टू पे सब्स्टिट्यूशन है, बट सब्स्टिट्यूशन से अभी कोई लेना देना नहीं है। फंक्शनल ग्रुप के बाद हम किसको देखते हैं? डबल बॉन्ड को देखते हैं। तो वन वन, टू टू, थ्री
एंड थ्री, थ्री पे क्या आ गया, इधर से डबल बॉन्ड आ गया, तो नंबरिंग किधर से होगी, यहाँ से होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब नेम लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले अमीनो है ना, ए से आ रखा है, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, अमीनो आ जाएगा। तो सबसे पहले आ गया आपके पास, अच्छा ये इधर इधर जा, ओके ठीक, तो आ जाएगा आपके पास 5 अमीनो, 5 अमीनो। फिर क्या आएगा, फिर आ जाएगा आपके पास 2 ब्रैकेट 1 डैश ब्रोमो इथाइल, 1 डैश ब्रोमो इथाइल। और फिर क्या आ गया, पूरा चेन का नेम में आप देख लीजिए, ब्रोमो इथाइल के बाद ये ब्रैकेट बंद होगा, साइक्लिक नहीं है, वर्ड रूट कितने हो गए, 7 है, तो हेप्ट आएगा, और 3 पर इन आएगा, फिर 1,7 डाइओइक एसिड। चेक करो सही है या नहीं, चेक करो एक बार सही है या नहीं। चेक करके देखिए सही है, सही है तो बताइए। अब सीएन वाले सवाल कराना है ना, ठीक है, उसके बाद सीएन पे चले। देखो करेक्ट है सभी का, यस। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, यस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, ये सवाल है तो आप, अच्छा ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप अभी नहीं कर सकते डायरेक्टली, पहले मैं सीएन वाला एक दो सवाल करवा देता हूँ, फिर आप ये वाला कीजिए। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, सीवाई साइनाइड, फॉर्मूला क्या है, सीएन साइनो, और सफिक्स क्या होगा हमारे लिए, नाइट ट्राइल। चलो इसका नाम लिखो क्या होगा, हेडिंग डाल लो ये वाला, जल्दी से इसका नाम लिख के बताओ। साइनो के और एक दो सवाल कराने हैं, नहीं ये नहीं कराना, ये तो बेंजीन वाला है ना, कराऊंगा बाद में। वेयर इज द साइनो, ठीक है तो सवाल नहीं है साइनो के, ठीक कोई बात नहीं। चलिए ये वाला की जल्दी से कीजिए, जल्दी से करो, इसका नेम बताओ। सी एन है, अच्छा ठीक, सी एन है, एन है, ये एन है, एन है, सी एन है, साइनाइड है। फर्स्ट वाले का आंसर करो जल्दी से, आप आराम से देखिए। पहले इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी नोमेनक्लेचर करना है, फंक्शनल ग्रुप ढूंढने हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप ढूंढने हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद जितने भी आगे बचे हुए फंक्शनल ग्रुप जो भी है सबको क्या कर दे रहे, सब पोजीशन बनाना है। फिर क्या करना है, प्रिंसिपल चेन ढूंढना है,
फिर नंबरिंग करना है, फिर जो 5 बॉक्स बोले हैं 5 बॉक्स में चीजों को अरेंज कीजिए और ऐड कर दीजिए। चलिए फटाफट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए। मुझे आंसर दिख नहीं रहा है या तुम लोग आंसर किए नहीं हो, बस एक बच्चे का आंसर दिख रहा है, दिखना तो चाहिए। हाँ चलिए, इंद्रजीत, आई होप करेक्ट है आपका, आई होप, चेक करना पड़ेगा बस। कोई नहीं कोई नहीं, आराम से लिख के भेजो। चलिए करेक्ट है, हेक्स 4-in-1 नाइट्राइल। सबसे पहले देखा ये क्या है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, आप किरण सर से बात कीजिए, डायरेक्टली किरण सर को कॉल करके बात कीजिए, उनसे बात नहीं होती है तो देश पांडे सर से बात कीजिए, उनसे भी नहीं होती है तो सुजय सर से बात कीजिए, कॉल एनी ऑफ देम। चलिए मैं आगे बढ़ू, आगे बढ़ू कहाँ पर था, इसका नेम लिखना। हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप ढूंढने हैं, तो देखो यहाँ पर साइनाइड, साइनाइड क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड क्या हमारे पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड हमारे पास, तो ठीक है। तो ये अब देखो ये डॉन ग्रुप का है या नहीं, तो अब देखो याद करो ये डॉन ग्रुप का है मतलब टर्मिनल ग्रुप का है, तो इसका कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक ही फंक्शनल ग्रुप है और कुछ भी नहीं है, सब्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है, प्रिंसिपल चेन ढूंढने, एक ही चेन है, नंबरिंग करना है, किधर से करूंगा, इधर से करूंगा, डबल बॉन्ड पहले आएगा, इधर से करूंगा फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा, तो इधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आता है, हम नंबरिंग उसी डायरेक्शन से करते हैं, विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द एंड विच विल गिव लोवेस्ट लोकेन टू प्रिंसिपल चेन, तो यहां से प्रिंसिपल चेन को लोवेस्ट लोकेन मिलता है 4, 5 एंड 6। तो अभी आप जब नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले हेक्स, फिर 4-in-1 फिर 1 नाइट्राइल। अब 1 चाहे तो आप रिमूव कर सकते हैं, 1 की कोई आवश्यकता वहां पर नहीं है, आप हटा भी सकते हैं, रखेंगे भी तो भी चलेगा। क्लियर है सभी को, बताओ सभी लोगों को क्लियर है ये, क्या सभी लोगों को क्लियर है ये? यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें। अच्छा मुझे बस 2 में ये बताओ कि प्रिंसिपल चेन क्या है, ए बी सी, चलो बस इतना बताओ प्रिंसिपल चेन क्या है। चलिए
ए टू बी, है ना? है ना? गुड गुड. कौन है ये? रुतुज, देन श्रेया. इट्स वेरी गुड. ए टू सी क्या है? ए टू सी है ना. कल ही तो बताया था ये वाला कि हमें मेन फंक्शनल ग्रुप को देखना है. तो ये कार्बन एक, सर एक दो निकल हम यहां से, ये यहां तक चलेगा तो दो फंक्शनल ग्रुप काउंट होंगे. अगर मैं यहां से यहां पे चला तो सिर्फ यही एक फंक्शनल ग्रुप काउंट होगा, ये सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा. तो हमारे लिए क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक का चेन हमारा प्रिंसिपल चेन होगा. तो नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से 1, 2, 3 एंड 4. अब नेम लिखना है, क्या लिखोगे आप इसके लिए? देखो 1-2-3-4-5. तो क्या लिखेंगे हम यहां पर? आप लिखेंगे सबसे पहले 2-ब्रोमो, देन आप लिखेंगे 3-क्लोरो, फिर क्या हो, कितने कार्बन है? 5 कार्बन है. देन पेंटाइल ब्रैकेट, कहाँ पे अवेलेबल है ये? इट इज अवेलेबल एट लोकेट नंबर 2, है ना. अब कितने कार्बन है? 4 कार्बन है. ब्यूटेन 1,4 डायनाइट्राइल. क्लियर है सभी को? बताइए क्लियर है सेकेंड वाला? सेकेंड वाला क्लियर है सभी को? ओके गुड. चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताओ. चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताओ जल्दी से. थर्ड का आंसर बताइए. थर्ड सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए. थर्ड सॉल्व कीजिए और थर्ड के बाद आप फिफ्थ सॉल्व करें. अच्छा, थर्ड के बाद आप फोर्थ सॉल्व कीजिए. हाँ, फोर्थ में क्या हो गया, ये ऑयल एसिड हैलाइड आ गया ना, तो उसके लिए सफिक्स एंड प्रीफिक्स चेक कर लेंगे. चलिए दोनों सॉल्व कीजिए जल्दी से, दोनों सॉल्व कीजिए.
हो गए, हो गए क्या? सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड? ठीक है, थर्ड का आंसर बताओ। चलो थर्ड का आंसर बताओ, थर्ड का आंसर एक बार रिप्लाई करो, फिर फोर्थ करना। चलो थर्ड करो, थर्ड करो जल्दी से, थर्ड का आंसर बताओ। ऑयल हलाइड ना, नेक्स्ट ऑयल हलाइड है। ठीक, नेक्स्ट ऑयल हलाइड है। थर्ड का आंसर कीजिए जल्दी से, थोड़ा लेट नहीं। थर्ड का आंसर प्लीज रिप्लाई फास्ट। फाइव क्लोरो थ्री ऑक्सो हेप्टेन टू नाइट्राइल। कुछ तो गड़बड़ कर दिया साक्षी आपने, बेटा आपने ऑलमोस्ट सारे कुछ सही किया है, कुछ तो गड़बड़ कर दिया। ठीक है, फोर क्लोरो वन मिथाइल हुज दिस पार्थ। वेरी गुड, नहीं फिर गड़बड़ा दिए तुम। ओ, मैंने कितनी बार बताया कि सफिक्स बस एक ही होता है, सफिक्स एक होता है, प्रीफिक्स मोर देन वन हो सकते हैं, सफिक्स में हमेशा बताया एक ही होगा। इन को खा गए तुम, इन तुम्हारा अवेलेबल ही नहीं है, ओन लगा दिए, मतलब सब मिक्स कचरा कर दिया तुम। हैप डॉट एन, बिल्कुल गलत तनिष्क, तुमने डॉट कैसे लगा दिया? हैप के बाद डॉट एन, फिर डॉट नाइट्राइल। तुम्हारा सब कुछ करेक्ट है, वन टू थ्री, नहीं वन टू थ्री फोर फाइव, आपका ऑलमोस्ट सारा कुछ सही है, मगर हैप के बाद डॉट और नाइट्राइल से पहले भी डैश लगाया है, दोनों जगह डैश गलत है ये। बाकी सब सही लिखा आपने, टू मिथाइल थ्री ऑक्सो हेप्टेन, यस वन नाइट्राइल विद दिस इंद्रजीत, यस आपका करेक्ट है। ठीक है, ओंकार फाइव क्लोरो थ्री ओन, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ओन ओन इज सफिक्स, हमें प्रेफिक्स लिखना है ना वहां पे, मिथाइल भी नहीं लिखा आपने, हेप्टा लिख दिया, एन सब गए, मतलब पूरा कचरा कर दिया। फाइव क्लोरो टू मिथाइल थ्री ऑक्सो हेप्टीन, इन इन कहाँ से आ गया भाई, डबल बॉन्ड है क्या? ना ना गलत, रूसी रूस रूसी केस, ओके रूसी केस। फाइव क्लोरो टू मिथाइल थ्री ऑक्सो हेप्टीन, वाह हेप्टीन कहाँ से लेके आए, इन कहाँ से लेके आ जाते हो तुम लोग? अब क्या, बाय द वे हेप्टेन लिखते तो करेक्ट रहता। चलो ठीक है, नेम लिखेंगे, यहां से चालोगे नंबरिंग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, तो सबसे पहले फाइव क्लोरो आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, थ्री ऑक्सो आ जाएगा, नहीं ऑक्सो नहीं, ऑक्सो से पहले मिथाइल आ जाएगा, सॉरी ऑक्सो से पहले मिथाइल आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे टू मिथाइल देन थ्री ऑक्सो, फिर एक सात कार्बन है ना, हेप्ट एन और वन नाइट्राइल। चल क्लियर है सभी को? किसी को डाउट, किसी को डाउट है? हाँ पूछिए पूछिए, क्या डाउट है? साक्षी आपको कुछ डाउट है तो पूछिए। क्लियर है सर? ओके ठीक है, कोई बात नहीं, चलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फाइव कीजिए फिर, क्वेश्चन नंबर फोर मैं कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर फाइव कीजिए पहले।
क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। सर माय डाउट, हाँ पार्ट कौन सा डाउट बताओ। आई हैव सेंड, कब भेजा है चेक करता हूँ। ठहरो, टैग करो मुझे एक बार, कहाँ पे भेजा है। ये कौन दो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 एंड 40 ना, 39 एंड 40 यही डाउट है ना। 39 एंड 40, 38 तो बेटा हमने कल ही डिस्कशन कराया था ना। करेक्ट लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन, अच्छा लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन का, ठीक है ठीक है, करा देता हूँ। चलो अब ये तो तुमने इतना छोटा बैठा कि दिख ही नहीं रहा है। इसमें जूम करने का कोई ऑप्शन है क्या? ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन, चलो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन, सेट ऑफ लोकेन चेक करना है ना इसमें सब क्वेश्चन के लिए। तो प्रिंसिपल चेन आपको ढूंढने हैं। आप देखिए जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन में मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल चेन हो गया। ये क्लियर है प्रिंसिपल चेन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का होगा। ये बताओ ये क्लियर है, प्रिंसिपल चेन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन का होगा। कर्सर दिख नहीं रहा शायद स्क्रीन पे, मगर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं सवाल में, वो हमारा प्रिंसिपल चेन होगा। चलिए, और लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो लेफ्ट साइड से आप नंबरिंग करते हैं 1 2 3, और राइट साइड से करेंगे 1 2 3। दोनों तरफ से नंबरिंग किया जाए तो 3 पर मिथाइल आ रहा है, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो हम जब भी सेट ऑफ लोकेन लिखेंगे, इसके लिए सेट ऑफ लोकेन लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, अगर ये साइड ए है और ये साइड बी है, तो जब मैं इधर से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर 1 2 3, 3 पे पहला सब्स्टिट्यूशन, 3 पे ही दूसरा सब्स्टिट्यूशन भी है, फिर क्या है 4 पर है, फिर 5 पे है। और आप बी से लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 3 पर पहला, फिर 4 पर दूसरा, फिर 5 पे तीसरा, फिर 5 पे ही चौथा आ गया। तो इन दोनों में से लोवेस्ट सेट कौन सा है, ये वाला तो कॉमन है, बट इसको देखिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे कौन लोवेस्ट सेट है, ये वाला लोवेस्ट सेट है, तो ये आ जाएगा आपका। क्लियर है? चलो दूसरा आप क्वेश्चन 39, 39 फिर से देखना पड़ेगा। 39
करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इसमें तो प्रिंसिपल चेन ढूंढना है सबसे पहली बात। चार छ छ सॉरी चार नहीं पांच, 1 2 3 4 5 पांच। CH3, CH, यहाँ पर आ गया आपके पास CH2 एंड CH3। और फिर इधर CH and CH3, CH2 यहाँ पर है, CH and CH3 एंड यहाँ से यहाँ पर CH3। प्रिंसिपल चेन ढूंढने सबसे पहली बात। अब देखिए 1 2 3 4 5, 3 और 2 5, 5 यहाँ तक हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गए, ए टू बी कितने हैं, 6 हैं। तो क्या होगा, ये हमारा प्रिंसिपल चेन हो जाएगा, 6 कार्बन वाला क्या आ जाएगा आपका, प्रिंसिपल चेन आ जाएगा। अब देखो वहां पे वर्ड रूट में ऑप्शंस देखो क्या क्या दे रखा है। हेक्सेन हेक्सेन हेक्सेन, सभी में हेक्सेन दे रखा है, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक ये 6 मेंबर का आपका चेन आ गया। तो नेम लिखने चलेंगे आप, क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3, 1 2 3, दोनों साइड से 3 पे आ रहा है, तो इधर से कीजिए 1 2 3, तो थर्ड पे 1 2 3, इधर से भी थर्ड पे, तो दोनों साइड से थर्ड पे आ रहे हैं। अब इन दोनों का नेम लिख करके देखिए, इसका जब नेम लिखेंगे आप क्या आ जाएगा आपके लिए, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल 1 डैश इथाइल मिथाइल, ये सिर्फ मिथाइल। तो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, नेम लिखेंगे आप 3 मिथाइल। थ्री मिथाइल फिर 4 फिर ब्रैकेट 1 डैश, मिथाइल इथाइल ब्रैकेट बंद, हेक्सेन। क्लियर है, बताइए ये क्लियर है। थ्री इथाइल क्यों आएगा भाई, थ्री इथाइल क्यों आएगा, ऑप्शन में ही दिया है। अब ऑप्शन ये देखो, जो ये दे रखा है ये करेक्ट नेम है इसका। आप यहां चलेंगे 6 कार्बन, 6 कार्बन का और कोई चेन बन रहा है, देखिए कहीं और से 6 कार्बन का चेन नहीं बनेगा, 3 3 5, 3 3 5, यही 6 कार्बन का चेन बनेगा। और यहाँ पर मिथाइल है, CH3 है, आई थिंक CH3 ही है, सवाल में देखो CH3 है ना, ये वाला पोर्शन CH3 है, समझ गए। चलिए ऑप्शन डी तो इनकरेक्ट है इसका, इथाइल नहीं है वहां पर, इथाइल है कहाँ, डाइमिथाइल इथाइल नहीं है वहां पर। अच्छा ये क्या है, C2H5 है क्या जो दे रखा है, जो ये वाला बताओ CH3 है या C2H5 है, ये जो पोर्शन है क्या दे रखा है, C2H5 दिया है या CH3 दिया है। क्या दिया है, CH3 दिया है ना, फिर ये करेक्ट होगा, मिथाइल नहीं आएगा, इथाइल इथाइल नहीं आएगा, मिथाइल रहेगा। चलो कहाँ पे थे हम, चलिए सवाल, कौन सवाल दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 दिया था ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर चेक करो आंसर। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप ढूंढेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोजैलिक एसिड है,
तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन बन गए, ये भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन बन गए, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूशन बन गए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नेम लिखेंगे। तो अमाइन दे रखा है तो अमीनो सबसे पहले आएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 4 अमीनो। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, 5 साइनो, 5 साइनो। फिर ये 3 आ गया आपके पास, तो 3 ऑक्सो, ऑक्ट, 6 इन, 1 ओइक, असीड। क्लियर है सभी को? ये क्लियर है सभी को? जल्दी से नोट कीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए, मैं उस सवाल देखूं तो ऑयल क्लोराइड के तो 4 और सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से करो। ठीक है, इधर सवाल, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, जल्दी रिप्लाई करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो देखो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या आ जाएगा आपके पास, हेक्सेन, 1 ऑयल, हलाइट के जगह पे कौन है, सीएल है ना, एक्स का मतलब क्या क्या हो सकता है, सीएल हो सकता है, एफ हो सकता है, बीआर हो सकता है, एंड
आयोडीन हो सकता है। ग्रुप नंबर 17 के जितने भी मॉलिकल्स हैं, जितने भी एटम हैं, एलिमेंट हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हलाइड बोलते हैं। तो वहां पर सीएल भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, बीआर भी हो सकता है, आई भी हो सकता है। और अगर सीएल है तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। अगर एफ आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, फ्लोराइड। बीआर आ जाएगा तो ब्रोमाइड, आई हो जाएगा तो आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है सभी को? बताइए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, डबल बॉन्ड है ना। हाँ ठीक, हेक्स 3 इन आ जाएगा, इन 1 ऑयल क्लोराइड, करेक्ट है। चलो हाँ, ये आ जाएगा। चलिए हो गए यहां तक, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलो ये सवाल करो, ये दोनों ही सवाल करो। ये दो सवाल जल्दी से कीजिए, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को। चलिए कीजिए।
अरे सॉल्व हो गए, सॉल्व हो गया। चलो इसका आंसर देखो। चलिए पहले तो ये बताओ इसमें प्रिंसिपल चेन कौन सा है, बताइए इसमें प्रिंसिपल चेन कौन सा है। सिक्स में प्रिंसिपल चेन बताओ। बस 3 लोगों का रिप्लाई आया है। चलिए ए टू बी ना, तो सबसे पहली बात तो हमने आपको ये बताया था कि प्रिंसिपल चेन ढूंढने के लिए सबसे पहला चीज देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। हमने बस आपसे प्रिंसिपल चेन पूछा, नेम नहीं पूछा है ना। तो प्रिंसिपल जो पूछा पहले उसका तो आंसर कीजिए। गलत है। तो प्रिंसिपल सॉरी मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हमारा, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करने के बाद हम प्रिंसिपल चेन फाइंड आउट करेंगे। तो मेन फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करने के बाद बचे हुए सारे फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए, सब्स्टिट्यूशन हो गए। सब्स्टिट्यूशन ये क्या हो गया हमारा, सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब जब ये सब्स्टिट्यूशन हो गए तो हमें क्या देखना है, प्रिंसिपल चेन ढूंढना है। सब्स्टिट्यूशन हो गया तो इसका कार्बन काउंट नहीं होगा, इसका कार्बन अब प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं होगा, प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड नहीं होगा। अब हम लोग क्या करें, हम लोग अब क्या देखेंगे, तो फंक्शनल सॉरी अब हमें क्या देखने हैं, प्रिंसिपल चेन देखने हैं ना। तो ए टू सी में चलो तो भी एक फंक्शनल ग्रुप, और ए टू बी चला जाए तो भी एक फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप दोनों में क्या हो गए, कॉमन हो गए। अब क्या देखना हमें, हमें देखना होता नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो ए टू बी में चले मल्टीपल बॉन्ड एक भी नहीं है, ए टू सी में चले तो एक मल्टीपल बॉन्ड है। तो ए टू सी क्या होगा हमारा, प्रिंसिपल चेन होगा। ए टू बी हमारा प्रिंसिपल चेन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो फिर इस साइड हम आते सब्स्टिट्यूशन पे, पर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो किसको प्रायोरिटी देंगे, हम लोग डबल बॉन्ड को देंगे। सबसे पहला चीज हमने क्या ढूंढा, मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप ढूंढने के बाद ये क्या बन गया, एक सब्स्टिट्यूशन बन गया है। इसकी वैल्यू कितनी है, बस एक सब्स्टिट्यूशन के बराबर है। तो सब्स्टिट्यूशन से पहले किसको प्रायोरिटी मिलता है, नंबर ऑफ कार्बन। उससे पहले किसको मिलता है, डबल बॉन्ड को मिलता है। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो फंक्शनल ग्रुप दोनों में कॉमन थे, अब क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड देखेंगे। तो ए टू सी में डबल बॉन्ड एक अवेलेबल है और ए टू बी में एक भी डबल बॉन्ड अवेलेबल नहीं है। तो प्रिंसिपल चेन क्या हो गया, ए टू सी हो गया। अब इसकी नंबरिंग करें, वन डैश टू डैश, बस वन डैश एंड टू डैश। तो अब इसका नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, टू डैश यहाँ पर क्लोरो कार्बोनाइल, टू डैश क्लोरो कार्बोनाइल, ब्रैकेट बंद। कहाँ पे अटैच है ये, तो वन टू थ्री एंड फोर, तो टू पे ये अटैच है। अभी क्या आ गया, चार कार्बन आ गया है हमारे पास, क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कार्बो क्लोरो कार्बोनाइल के बाद बाकी पार्ट हमने लिखा ही नहीं। क्लोरो कार्बोनाइल फिर ये भी तो आएगा ना, इसके लिए कितने कार्बन है, दो। इसको काउंट नहीं करना अभी, इसकी अभी इसको हम लोग चेन में काउंट नहीं करेंगे, अभी इसको हम लोग चेन में काउंट नहीं करेंगे। तो कितने आ गए, दो ही आ गए ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इथाइल लिखेंगे, ब्रैकेट बंद। अब कितने कार्बन है, चार कार्बन है। तो क्या आ जाएगा, ब्यूट आ जाएगा, ब्यूट थ्री इन वन ओ एक एसिड। बताओ क्लियर है सभी को, बताइए क्वेश्चन नंबर सिक्स। डाउट है क्वेश्चन नंबर सिक्स में, कोई दिक्कत बताइए, क्वेश्चन नंबर सिक्स में कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर सिक्स में एनी डाउट, क्वेश्चन नंबर सिक्स एनी डाउट। नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, क्या करेक्ट है, बताओ नंबरिंग करेक्ट है। बताइए क्या नंबरिंग करेक्ट है या नहीं, यस और नो, जल्दी से रिप्लाई करो। नो, बिल्कुल सही। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, बताओ कहां से स्टार्ट होगी नंबरिंग।
बहुत अच्छे। सल्फोनिक एसिड से नहीं होगी, यहां से नहीं, एंड से स्टार्ट होगी। तो जिधर से सल्फोनिक एसिड पहले आएगा, तो 1 2 3 4 5 6। अब बताओ किधर चलोगे, ऊपर या नीचे? इधर नहीं चल सकते क्योंकि ये अब चेन का पार्ट ही नहीं है, तो इधर नहीं चल सकते। तो कहाँ चलना पड़ेगा? यहाँ पर चलना पड़ेगा। तो नेम क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? हम नेम लिखेंगे, सबसे पहले आ जाएगा आपके पास 6 ब्रोमो कार्बोनाइल, 6 ब्रोमो कार्बोनाइल। फिर क्या आ जाएगा आपके पास? फिर आपके पास आएगा 5 साइनो, 5 साइनो। फिर कितने हो गए? हेप्टेन सल्फोनिक एसिड, या 1 सल्फोनिक एसिड। बताइए क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर है सभी को? कुछ डाउट? एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 7, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 7, एनी डाउट? डाउट है तो पूछिए। ओके चलो फिर, क्लास खत्म ही होने वाली है, बाकी कल करेंगे। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय सर, बाय बाय।